गाइस क्या कर रहे हो यार? मतलब एक स्कैम में फंसने के चक्कर में आपको फील हो रहा है कि वो स्कैम है, तो आप दूसरे स्कैम में फंसे जा रहे हो। यार हद कर रखी है, मतलब आदत पड़ चुकी है क्या ये स्कैम में फंसने की? भाई कुछ तो जगह थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ यार। इतनी वीडियो की कोशिश कर रहा हूँ, नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी फंसे जा रहे हो। ये समझाऊंगा ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ और क्या जरूरत पड़ गई इस वीडियो की। करोड़ों में रिफंड करा चुका हूँ मैं क्यूनेट में, करोड़ों में, और एक रुपए चार्ज नहीं किया मैंने। कोई भी प्रूफ दिखा दे कि मैंने किसी के रुपए चार्ज किया हो, किसी से पैसा मांगा हो, या मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन हुई हो पैसों की, तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। एक रुपए चार्ज नहीं किया मैंने। चैलेंज कर रहा हूं फिर से, कोई भी प्रूफ दिखा दो कि मैंने किसी से पैसा मांगा हो। क्या रहा है, मेरी वीडियोस चल गई हैं क्यूनेट के रिफंड को लेके, शायद इसलिए कुछ लोगों ने देखा देखी भी वीडियो बनानी शुरू कर दी है। कुछ नए क्रिएटर्स आए जो क्यूनेट रिफंड के दावे कर रहे हैं। भाई सिंपल सा प्रोसेस है, क्यूनेट कंपनी का अपना एक प्रोसेस है, उसको समझो। जरा सी वीडियो देखी, बस किसी ने यहाँ पे व्यू और सब्सक्राइब के लिए ही कोशिश कर दी कि सिर्फ उसे व्यू सब्सक्राइब चाहिए, उसे क्यूनेट की नॉलेज नहीं है। मैं यहाँ पे अपने स्किल्स को नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, जो क्यूनेट रिफंड के लिए हेल्प कर रही है आप लोगों को। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यूनेट में डिस्ट्रीब्यूटर स्कैम कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर स्कैम चल रहा है, यहाँ पे क्यूनेट स्कैम नहीं चल रहा। क्यूनेट कंपनी का आपको नाम तक नहीं पता लगता, इतने में आपकी रिफंड पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है। और उसके बाद जब हम लोग ढूंढते रहते हैं कोई रिफंड करा दे, रिफंड करा दे, और हम यूट्यूब पे पता नहीं हजार वीडियो देखेंगे और हम हर किसी को अप्रोच करेंगे, क्या आप मेरा रिफंड करा दोगे? और ऐसे ही यूट्यूबर्स बहुत सारे मिसगाइड कर रहे हैं, जैसे क्यूनेट में डिस्ट्रीब्यूटर मिसगाइड कर रहे हैं, उसी तरीके से आज मैं एक्सपोजिंग वीडियो बना रहा हूं, जो यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूट्यूबर्स भी बहुत सारे हैं जो अपने आप को चलाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, आप लोगों से पैसे चार्ज कर रहे हैं रिफंड कराने के लिए। देखो सिंपल सा लॉजिक है, वो लोग मैक्सिमम लोग जो यूट्यूब पे क्यूनेट स्कैम के बारे में बता रहे हैं, क्यूनेट रिफंड के बारे में बता रहे हैं, वो लोग क्यूनेट में इन्वॉल्व नहीं थे। हो सकता है एक आध कोई हो जो जेन्युइन आपको बता रहा हो क्यूनेट के बारे में, मगर मैक्सिमम नहीं है। मैं क्यूनेट में रहा हूं, क्यूनेट की पॉलिसी पता है, आज भी अपना क्यूनेट का पोर्टल चेक करता हूं मैं, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं उसको ट्रैक करता हूं, उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। हम पैसे तब चार्ज कर सकते हैं, या हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या कोई अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हैं। जैसे टीचर्स होते हैं, टीचर्स के पास नॉलेज होती है, वो अपने स्किल्स को डिवोट करते हैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ, और वहां पे वो मनी चार्ज करते हैं। उसी तरीके से दूसरे दूसरे प्रोफेशंस में होता है। क्यूनेट के लिए जो मैं यूट्यूब पे दे रहा हूं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब, इस पे व्यूज, लाइक्स, इन सब की डिमांड कर रहा हूं। इसमें तो आप सबका कुछ नहीं जा रहा ना, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सिर्फ उसी की रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सब्सक्राइबर ही तो बढ़ेंगे, जो पिछले कुछ टाइम से बढ़ रहे हैं, जो भी 1000 होने वाले हैं आप सबकी वजह से। और मैं एक रुपए चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे चक्रों में मत फंसो। अभी ये वीडियो बनाने का पर्पस, रिकॉर्ड करने का पर्पस ये है, रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि क्यूनेट रिफंड के नाम पे 3,000-3,000 रुपए लोग मांग रहे हैं, मेल कर रहे हैं उनको कि आप मेरी हेल्प करो, और वो लोग सामने से कहते हैं कि मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो, और 3,000-4,000 रुपए मांग रहे हैं। एक पर्सन है जिसका नाम ज्यादा फैल रहा है, अगर मेरे को और भी उनका नाम मुझे मिला तो डेफिनेटली मैं उनका डायरेक्ट नाम लेके वीडियो बनाऊंगा, पर मुझे बहुत सारे लोगों से वो इनपुट्स चाहिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, रिफंड के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे मेल कीजिए, इंस्टाग्राम पे बताइए, फेसबुक कमेंट सेक्शन, किसी भी तरीके से बताइए, मुझे जानना बहुत जरूरी है ताकि मैं उसको एक्सपोज कर सकूं। आप लोग क्यूनेट पे पैसा लगा चुके हैं, उसके बाद तंग हैं, और आप उनको भी पैसा दिए जा रहे हैं, ये बेवकूफी मत कीजिए। सीरियसली हम सब एक बेवकूफी कर चुके हैं, बिना जाने सिस्टम को समझे हम पैसा लगा चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे खास दोस्त रिश्तेदार के कहने पे। तो आगे से ऐसी गलती मत कीजिए कि उनको भी आपको पैसा देना पड़े।
साफ साफ क्लियर कर दूं, क्यूनेट की अपनी पॉलिसी है, क्यूनेट से बाहर गए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर कोई चैलेंज करता है कि 2 साल के बाद भी पैसा निकलवा सकता है वो, तो मैं उसको अप्रोच करूंगा, मुझे प्रूफ दिखाओ, मुझे भी अपने पैसे निकलवाने हैं, मेरे भी पैसे लगे हुए हैं, मेरे पैसे भी निकलवा के दिखाओ। अगर आपको लगता है, मैं पैसा दूंगा आपको, अगर मेरे पे रिफंड करा दिया किसी ने क्यूनेट से, तो मेरे से ले लो वो पैसा, सारा नहीं, जो पैसा होगा मैं जरूर दूंगा उसमें से। आप 3,000 रुपए मांग रहे हो, आप मेरे से 5,000 रुपए ले लो, 10 ले लो, खुला चैलेंज है। अगर आपने मेरे पैसे रिफंड करा दिए, जो लोग यहां पे क्लेम कर रहे हैं, मेरा क्यूनेट से पैसा निकलवा दो, मेरे से ले लो 10,000 रुपए, यूट्यूब पे बोल रहा हूं, है कोई तो प्लीज अप्रोच करो, मुझे बताओ, और मुझे प्रूफ चाहिए आपके कि आपने इतने लोगों के आपने रिफंड कराए 2-2 साल के बाद, क्योंकि मुझे भी क्यूनेट से बाहर निकले 2 साल के ऊपर तो हो चुके हैं, मुझे भी सारी पॉलिसी पता है। क्यूनेट में 7 दिन के बाद भी, अगर वर्ल्ड पोर्टल का प्रोडक्ट है तो 7 दिन के बाद भी अगर आप क्यूनेट का अप्रोच करोगे ना, तो 1 रुपए नहीं मिलेगा क्यूनेट से। और आप लोगों को बिल्कुल भड़काए जा रहे हो, बस उनसे पैसे लूटे जा रहे हो। एक सज्जन जी, अभी एक लड़की का मेरे पास जस्ट फोन आया था, उन्होंने मुझे बोला कि अप्रोच किया है उन्होंने किसी को, यूट्यूबर को, कि मुझे क्यूनेट से रिफंड दिला दो, और उनसे सारी डिटेल्स ली गई, और डिटेल्स लेने के बाद बोला हाँ हो जाएगा रिफंड, जब पैसा आपके पास आएगा आपने मुझे 3,000 रुपए देने, क्योंकि उनको अच्छे से नॉलेज है कि 30 डेज में उनका रिफंड हो जाएगा उस लड़की का। और ऐसे बहुत केस आए हैं, कभी कोई मेल अप्रोच कर रहा है, कभी फीमेल मुझे अप्रोच कर रहा है, कभी किसी स्टेट से कॉल आ रही है, कभी साउथ, कभी झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली, हर जगह से कहीं ना कहीं से कॉल आ रही है, वो यही चीज कह रहे हैं कि ऐसे लोग पैसे मांग रहे हैं। तो प्लीज ऐसी बेवकूफी गलती मत कीजिए, क्यूनेट की पॉलिसी के बाहर अगर आप गए तो आपको रिफंड नहीं मिलने वाला। लाखों लोग हैं जो रिफंड नहीं ले पाए। अगर 2-2 साल के बाद भी क्यूनेट आपको रिफंड देने लगता तो कितने रुपए अभी तक फंसे पड़े हैं जो लोगों को निकालने हैं वहां से। तो ट्राइंग टू से डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं, और साथ साथ नई चीज खड़ी हो गई है, रिफंड के नाम पे लोग अलग स्कैम कर रहे हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए मांग रहे हैं, और जिनको पता है कि पॉलिसी में सामने वाला पर्सन है उसका रिफंड आ ही जाएगा, तो उसे फ्री फंड में 3-3 हज़ार रुपए लूट रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपए लूट रहे हैं। इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के कोई पैसे नहीं होते। अगर आप लोगों को भी रिफंड किसी का करवाना है ना, यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है, बनाइए, मगर किसी से पैसे चार्ज मत कीजिए। सिंपल सा है, सब्सक्राइब मांग लो, वीडियो पे लाइक मांग लो, आप शेयर करवा लो, ये सब चीजें करवा सकते हो आप, मगर आप इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के पैसे मत लीजिए। रिक्वेस्ट है आप सबसे, इतना लालची मत बनिए। लोग पहले ही पैसों को लेके तंग होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, और आप उनसे भी 3-3, 4 हज़ार रुपए चार्ज कर रहे हो। पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर जो अपलायंस होते हैं वो पैसे निकाले जा रहे हैं किसी ना किसी वे से, और आप उसके बाद भी 3-3, 4-4 हज़ार रुपए चार्ज कर रहे हो। कुछ लोग कमेंट पे मेरे यहां बताते हैं कि हम करवा देंगे जी रिफंड, हम करा देंगे जी रिफंड। तो प्लीज ऐसे गलत चक्रों में मत पड़ो, क्यूनेट की पॉलिसी रीड कर लो, सारी चीज मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, क्यूनेट की पॉलिसी प्रोसीजर, क्यूनेट की वेबसाइट, क्यूनेट का कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई डाउट आ रहा है कस्टमर केयर को कॉल कर लो कि क्यूनेट के बारे में मुझे ये बताया गया है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अप्लायंस के प्रूफ लेने शुरू करो, इनकी जो नेटवर्क इंटीग्रिटी NCD इंडिया करके ईमेल आईडीज है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनकी अनएथिकल एक्टिविटीज को अप्रोच इनको फॉरवर्ड करो, क्यूनेट को इनके प्रूफ निकाल के क्यूनेट को फॉरवर्ड करो, इनको टर्मिनेट कराओ। रिसेंटली एक बहुत अच्छा चेंज किया है क्यूनेट ने, वो ये है कि अगर कोई भी अप्लाइंग के ऊपर आप लोग एलिगेशंस लगाएंगे तो वो सस्पेंड करेगा अप्लाइंग को 7 डेज के लिए, और अगर आप प्रूफ कर देते हैं उसको गिल्टी और अप्लाइंग अपने आप को सेफ प्रूफ नहीं कर पाता तो क्यूनेट उसको टर्मिनेट कर सकता है, और करता है क्यूनेट टर्मिनेट। बहुत लोगों को ये भी डाउट है क्या क्यूनेट टर्मिनेट करता है, जी हाँ क्यूनेट टर्मिनेट करता है, मगर क्यूनेट को प्रॉपर प्रूफ चाहिए तो समझना पड़ेगा। प्लीज अगर किसी को भी वीडियो बनानी है क्यूनेट रिफंड को लेके, बनाइए, बेझिझक बनाइए,
सिर्फ वीडियो बनाने का अधिकार मेरे पास नहीं है, मेरे पास नॉलेज थी, मैंने इनिशिएटिव लिया और मैंने नॉलेज को पास ऑन किया। आप भी कीजिए अगर आपको नॉलेज है तो, पर नॉलेज के बाद ही नॉलेज पास ऑन कीजिए, जबरदस्ती के पैसे चार्ज करने के लिए पास ऑन मत कीजिए। या तो आप अपनी कोई एक नॉलेजेबल स्किल होगी उसको डेवलप करके यूट्यूब पे वीडियो बना के कंपनी खोल सकते हैं, वो एक अलग केस है। यहाँ पे आप कंपनी नहीं खोल सकते रिफंड पॉलिसी की, यहाँ पे सिर्फ रिफंड पॉलिसी की आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्यूनेट कंपनी के बारे में बताना है, क्यूनेट दूसरी कंपनी है, क्यूनेट आपकी कंपनी नहीं है। तो इन द एंड यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग जो रिफंड मांग रहे हैं वो पॉलिसी के अंडर में होंगे तो रिफंड का अप्लाई कीजिए, समझिए पॉलिसीज को, तो आपको रिफंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसमें कोई इतना हेडेक वाला सीन नहीं है। अगर अपलाइन भी तंग करता है तो क्यूनेट की कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और एक्सटर्नल कोई भी पर्सन रिफंड अगर आपको बोलता है, श्योरिटी देता है, तो उससे पूछिए वो कितने टाइम क्यूनेट में रहा, उससे पूछिए उसको कितनी नॉलेज है क्यूनेट के बारे में, वो सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइब के लिए वीडियो बना रहा है या उसको एक्चुअली वो क्यूनेट में था, क्या उसने वो पैसे लगाए हैं, पैसे डुबाए हैं या पैसे कमाए हैं, क्या किया है उसने क्यूनेट में, या दूसरों को देखा देखी सिर्फ वीडियो बना रहा है ताकि उसका चैनल चल जाए, तो सामने वाले से पूछिए। क्योंकि आज अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं दावा कर सकता हूं, मैं क्लेम कर सकता हूं कि मैं क्यूनेट की वीडियोस क्यों बना रहा हूं, मगर जो सामने वाला पर्सन है अगर 10 में से 9 यूट्यूबर निकलेंगे ना, उनको क्यूनेट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको किसी और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, सिर्फ उनको पता है इंडिया में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं चलेगी, स्कैम और फ्रॉड वर्ड चलेगा, तो वीडियोस बना दी ताकि उनका चैनल चल जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर से रिक्वेस्ट है, जो रिफंड मांग रहा है बी अलर्ट, और जो रिफंड के लिए हेल्प कर रहा है प्लीज मनी चार्ज मत कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को करवा लीजिए, उससे ऊपर मत कीजिए। और मैं भी वही रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोस बहुत लोगों के पास शेयर हो सके, लोगों को पता लग सके कौन सी नई वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, जैसे आज मैं कर रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होता, आपने बेल आइकन को दबाया होता, तो मेरी वीडियो आपको अभी के अभी मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोगों की हेल्प हो सकती है इससे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं आप सबके प्यार की वजह से, प्लीज इसको आगे बढ़ाइए। देखते हैं आगे फ्यूचर में क्यूनेट का क्या रहेगा, 90 डेज का टाइम तो सभी को मिला है, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को मिला है, पॉलिसीज चेंज हुई तो ठीक, नहीं तो क्यूनेट या बाकी कंपनीज में भी कोई कंपनी क्लोज जरूर हो सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता। बट क्यूनेट ने अपना एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर किया है पोर्टल पे कि क्यूनेट अपनी सारा कंक्लूड कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को, सॉरी जो लॉ में एक क्लॉज आया है सबको कंक्लूड कर रहा है। थैंक यू सो मच।